हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस्ट करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ यह है कि रिमोट कंट्रोल JCB बनाओ, फिर मोबाइल निकालो, फिर स्टिकी बम एक्टिवेट करने का बटन दबाओ तो होगा मैजिक। तो इधर मैंने JCB बुला ली है और बाइक बुला ली है। अब हम इन दोनों का ग्लिच करते हैं तो भाई JCB जो है वो रिमोट कंट्रोल हो जाती है, और वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इन दोनों पे बैठ चुका हूँ, अभी आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि दोनों चल रही है, लेकिन अब मैं बाइक से उतरूंगा। बाइक से आप जैसे ही उतरोगे, आप देखते हो कि जैसे आप पंच मार रहे हो भाई, पीछे का पार्ट कंट्रोल हो रहा है, और ऐसी अलग अलग बटन से अलग अलग चीज़ें कंट्रोल होती है। जैसे कि अगर मैं इसको देखो स्कोप दबा के रखूँ तो वो वापस नीचे हो जाता है, फिर वापस गन दबाऊँ तो वापस ऊपर हो जाएगा, लेकिन फ़ोन निकालने के बाद जब मैं एक्टिवेट दबाता हूँ भाई, तो हमारी JCB का कोई सा तो पार्ट कंट्रोल हो रहा है। मुझे लग रहा है जो सामने का बकेट है ना, ये नीचे जा रहा था, जो कि होना ही नहीं चाहिए भाई, फोन से कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग बटन से कुछ कुछ कंट्रोल हो रहा है। फिर से करके देखते हैं, रुको फोन निकालता हूँ मैं और फिर से एक्टिवेट दबाता हूँ, देखना क्या हिल रहा है ये। अरे यार, अब कुछ नहीं हो रहा, पहले हुआ था। मुझे लग रहा है JCB ना अटक गई है, इसलिए अब हो नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा था, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि पुलिस स्टेशन के NPC के पीछे वाले ग्लास पर घोस्ट राइडर से टक्कर मारेंगे तो NPC मर जाएगा। तो इधर मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ, और अब मैं बुलाता हूँ घोस्ट राइडर 5555 की चीट कोड से, बैठते इसके ऊपर। अब देखो NPC दीवार के अंदर है, तो होना तो नहीं चाहिए, पर मैं टक्कर मारता हूँ और मुझे आवाज़ आई है NPC के मरने की भाई, बराबर। मुझे लग रहा है अगर ये आग से लिपटा होगा ना, तो घोस्ट राइडर ने इसे टच कर दिया भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि घोस्ट राइडर का टायर पूरा अंदर ही आ चुका था और पूरा NPC को जला के रख दिया है। चलो ठीक है, ये तो हम मान गए, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या कांच वाली जगह पे ये होता है। तो कांच वाले NPC पे भी यही करेंगे हम। ये तो थोड़ा दूर भी बैठा है भाई, और तब भी इसमें आग लग चुकी है, ये तो आपको दिखा होगा अलग ही। नेक्स्ट NPC इधर वाला, इस पे मार के देखते। ये वाला तो थोड़ा दूर है यार, वैसे शायद नहीं इस पे लगा नहीं, या तो मुझे एंगल मिला नहीं। देखो टायर थोड़ा दूर रह गया, एक वहां का भी बचा है, वहां मारते हैं। इस बार टेढ़ा जाऊंगा मैं। ये देखो ये भी गया यार, तो ये बाहर से ही सबको मार दे रहा हूँ। पुलिस वालों को देखो भनक भी नहीं है कि ये लोग पिट रहे अंदर, और जल रहे भाई सामने इनके, कैसे पुलिस वाले। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि डॉग में बैठते समय स्टिकी बॉम्ब को दूर मारना है डॉग पे नहीं, और डॉग पर बैठना है मैजिक देखो। तो इधर मैं डॉग को बुलाता हूँ और स्टिकी बॉम्ब निकालते हैं। अब हमें कहीं और मारना है स्टिकी बॉम्ब, और मारते हुए हमें डॉग पे बैठना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंटर हो गया हूँ। अरे भाई ये क्या हुआ, डॉग अंदर गया वॉइड के। अरे मैं कहाँ गया भाई, मैं भी तो वॉइड में गिरा था, लेकिन मैं डॉग बन चुका हूँ जो कि वॉइड में फंस चुका है। तो इधर दोनों तरीके से मैं फंस चुका हूँ, ना तो मैं इंसान हूँ ना तो मैं ज़मीन पे हूँ गाइस, और ये गेम अब हमें एग्जिट करना पड़ेगा। चलो टेक टू, इस बार भी यही करते हैं। ये मैं बैठ गया, और इस बार कुछ और हुआ है। ये आगे क्यों नहीं जा रहा है यार, मेरा डॉग ग्लिच हो चुका है, पता नहीं आगे ही नहीं जा रहा है, ये सिर्फ पीछे जा रहा है गाइस। ये देखो कुछ तो हो चुका है इसको, जब मैं रन का बटन दबा रहा हूँ ना, तब तो ये और पीछे तेज़ी से जा रहा है, वरना फिर ये एक ही जगह पर जा रहा है, लेकिन आगे अब ये जा ही नहीं पा रहा है मेरा डॉग। कुछ ख़तरनाक सा ग्लिच हो चुका है, और मैं कुछ कर सकता हूँ क्या इसको, नहीं गाइस। तो ये अब रिवर्स जा रहा है, पूरा मूनवॉक डॉग बन चुका है ये, उतर ही जाते हैं इससे, नीचे तो नहीं गिरेगा ना भाई। चलो नीचे नहीं गिरा है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ यह है कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो दो पुलिस वाले गन लेकर खड़े रहते हैं ना, उनको कार और बाइक से टक्कर मारते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो गाइस अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर नई पुलिस पे आप बाइक और कार से टक्कर मार रहे हो तो भाई वो उड़ जा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब होने लगा है। लेकिन ये जो दो पुलिस वाले, ये ढीठ है गाइस, इनको आप कार से टक्कर मार दो तो इनको कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बाकी पुलिस वालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा अलग भी है, जैसे कि मैंने आपको भी मार के दिखाया, इनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं इनको मूवमेंट कराता हूँ, ठीक है, जैसे मैं इस पर गोली मार दूंगा ये देखो मेरी तरफ आने लगेंगे। तो अभी एक जगह नहीं खड़े, अब कार से टक्कर मार के देखते हैं। तो इधर देखो मैंने टक्कर मारी और अब भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये पुलिस स्टेशन के अंदर के जितने भी पुलिस वाले, इन लोग को देखो आप कार से नहीं उड़ा सकते हो। फिर से लेके आ चुका हूँ मैं कार आपको दिखाने के लिए, देखना गाइस। ये देखो मैं इसको टक्कर मार रहा हूँ, ये मुझे डायनासोर जैसे पीछे कर रहा है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सारे पुलिस वालों को आप नहीं मार सकते, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ है कि अगर आप पुलिस स्टेशन के पानी के फिल्टर में जाओगे तो आप उसके आर पार हो जाओगे, लेकिन जेल के अंदर वाले फिल्टर से नहीं होते हो। तो ये है पुलिस स्टेशन के अंदर वाला पानी का फिल्टर गाइस, और आप देख सकते हो मैं इसके आर पार हो चुका हूँ, ठीक है, पूरा आर पार जा रहा है मेरा बंदा, कोई दिक्कत नहीं, अंदर का भी देख सकते हैं, अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलते अपन वो वाले फिल्टर में जो कि जेल में लगा है, और वो भी सेम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से।
तो जेल के अंदर जाने की ट्रिक ये है, यहाँ से आके अंदर आ सकते हो आप बेड पे चढ़ के। अब देखो इसको टक्कर मारते हैं, और ये देखो ये अलग बना है भाई, इसके आप आर पार नहीं जा पा रहे हो। ये क्या बात हुई यार, यहाँ से भी आर पार जाना चाहिए था, लेकिन देखो इस वाले से आर पार नहीं जा रहा है, तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित दिया है दिव्यांश अग्रवाल ने, और इनका मित ये है कि अगर हम ट्रक भी ट्रॉली को ट्रेन के साइड में रखते हैं तो देखो मैजिक। तो ठीक है, इधर मैं ट्रेन के साइड में आ चुका हूँ, हम लोग ट्रक भी ट्रॉली इधर स्पॉन करेंगे 01212 से। एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने बाद में, ये हो गई स्पॉन। अरे ये नीचे कैसे स्पॉन हो रही है भाई, इसका ट्रेलर कहाँ है, ये टूट गया है क्या, ये अलग ही जा रहा है। अरे ये तो खिंच रही है, मैं जैसे जैसे पीछे जाते जा रहा हूँ ये ट्रेलर मेरी बॉडी से खिंच रही है। ये देखो भाई ये क्या हो रहा है, पूरी अच्छी खींची है ये, पहले देखो एक जगह थी, लेकिन जब मैं पीछे जा रहा हूँ ना तो मेरे साथ इस साइड आती जा रही है, और बहुत खतरनाक ही उधर तोड़फोड़ मच रही है। वापस दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देखो मैंने स्पॉन किया। अच्छा ये तो अब हिल ही रहा यार डिफॉल्ट, लेकिन पहले खींच रहा था, ये क्या हुआ यार, ये ट्रेलर पीछे के साइड आ रहे हैं। ओके अब समझ में आया, ये ट्रेलर तो ऐसा लग रहा है अलग ही हो जाएगा भाई इस ट्रक से, लेकिन वो बाहर ही आ गया। उससे पहले वो वाला जो ट्रेलर है जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था वो अभी तक नाच रहा है, मैं इसके पास जाके आपको दिखाता हूँ। देखना जैसे ही मैं इसके पास आऊँगा ना, देखो मैं चढ़ता हूँ, ये देखो स्टॉप हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी बॉडी से खींच रहा था ये, अभी देखो स्टॉप हो गया है ना, अभी मैं पीछे जाता हूँ, अभी देख लो ये नहीं हिल रहा। अब मैजिक दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जैसे ही मैं पीछे आया वो हिलने लग गया भाई, तो क्या है इसमें, कौन सा भूत है, अब ये ज़मीन के अंदर जा रहा है, तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित ये है कि अपडेट के बाद मॉडिफाइड थार की फ्रंट लाइट चेंज हो गई है। तो ये पिछला वाला अपडेट है गाइस, ठीक है, इसमें मैं स्पॉन करता हूँ थार 9090 से, और अब आप इसकी ना हेडलाइट देखना, ये देखो फ्रंट लाइट जो है ये आप देख सकते हो ये कैसी दिख रही है। अब मैं आपको न्यू वर्जन दिखाता हूँ, तो अब आ गए हैं हम लोग न्यू वाले वर्जन में। अब स्पॉन करते हैं इसी थार को 9090 से, और अब इसकी फ्रंट लाइट देखते हैं। तो ये फ्रंट लाइट देखो चेंज हो गई है, पहले ब्लैक कलर की थी, उसमें तीन चार सर्कल वाले रिंग बने थे, और अब ये वाइट कलर की हो चुकी है, तो चेंज तो ये हो चुकी है, तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित ये है कि तीन डॉग स्पॉन करो एक के ऊपर एक, उसके बाद उनमें बैठ जाओ और कैरेक्टर को सेकंड नंबर डॉग में बिठाओ, और फिर करो फर्स्ट पर्सन तो मैजिक होगा। तो ठीक है गाइस, हम लोग को तीन डॉग स्पॉन करने 600 की चीट कोड से, एक के ऊपर एक स्पॉन कर देंगे हम लोग, ये हो गए दो और ये हो गया तीन। तीन डॉग आ चुके हैं हमारे सामने, बैठते हम लोग सेकंड वाले पे ही बैठा है वैसे तो ये, लेकिन मैंने गलती कर दी। ओ भाई ये क्या है यार, डॉग के अंदर का मुंह दिख रहा है मुझे, और ये खतरनाक है कि मैं डॉग बन चुका हूँ और मुझे ये फर्स्ट पर्सन दिख रहा है। भाई क्या मुँह है इसका, इतना खतरनाक लग रहा है गाइस, काफी स्कैरी ग्लिच है ये तो। अरे यार हट गया क्या, तो ये मित कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मित यह है कि आरजीएस टूल में स्पेसशिप लिखो फिर देखो मैजिक। चलो फिर आरजीएस टूल खोलते हैं और इसमें लिखते हैं स्पेसशिप गाइस, क्योंकि न्यू अपडेट तो आ ही चुका है, तो स्पेस यहाँ पे शिप लिख देता हूँ मैं साथ में, ठीक है अलग अलग नहीं लिखेंगे। टिक दबाते हैं और यहाँ पे स्पेसशिप बिल्कुल भी नहीं आया है, तो ये मित बस्टेड है। लेकिन नहीं है तो आ जाएगा, अगर आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो स्पेसशिप के डिमांड बढ़ती है तो भाई जरूर से स्पेसशिप इस गेम में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए बहुत सारे कमेंट कर देना स्पेसशिप वाले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और अगर मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।